फैक्ट नंबर 5, एक कहानी है टाइटैनिक की जिससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो ऐसा नहीं कि टाइटैनिक के आसपास कोई शिप्स नहीं थे, शिप्स थे जो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। देखो, टाइटैनिक के डूबते वक्त उसके आसपास 3 जहाज थे। पहला जहाज था सैमसन नाम का, जो उससे केवल 11 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो टाइटैनिक को बचाने के लिए नहीं आए क्योंकि वो लोग इल्लीगल काम कर रहे थे, चीजों की तस्करी कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर हम बचाने के लिए जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे, इसलिए रहने दो, निकलो यहाँ से। दूसरा जहाज था कैलिफोर्नियन नाम का, ये टाइटैनिक से 22 किलोमीटर दूर था। इस जहाज के कैप्टन को ये पता चल चुका था कि टाइटैनिक डूब रहा है, हमें बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि रात का समय है, हमारे आसपास बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसलिए जब सुबह हो जाएगी हम तब जाएंगे। बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद तीसरा जहाज था कार्पेथिया नाम का। ये जहाज टाइटैनिक से 90 किलोमीटर दूर था और ये टाइटैनिक से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फिर भी इस शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें टाइटैनिक तक बहुत जल्दी पहुंचना है और बहुत स्पीड से पहुंचना है। और फिर ये बहुत स्पीड से शिप को चलाकर लाए और जल्दी से ये डूबते हुए टाइटैनिक तक पहुंचे, और इसी शिप की वजह से टाइटैनिक के 705 लोगों की जानें बच पाई थी। ऐसी जिंदगी में भी 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो केवल अपना देखते हैं, मैं खाऊंगा, मैं मस्त रहूंगा, दुनिया जाए भाड़ में। दूसरे वो लोग होते हैं जो सहूलियत के हिसाब से मदद करते हैं, जब सारी कंडीशन सही होंगी तब हम एक्शन लेंगे, नहीं तो हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं जो चाहे जितनी भी दिक्कतें हों, जितनी भी सामने ऑब्स्टेकल्स हो, वो अपने आप को पीछे रखकर दूसरों की मदद करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन तीनों में से कौन से वाले इंसान बनना चाहते हो, कमेंट्स में बताना।